बारिश बड़ी ज्यादा आ गई है, इससे पहले कि हमें बाहर ना निकलने दे माल गिर रहे हैं, शॉर्टकट रहे वो देखो, शॉर्टकट के चक्कर में कहाँ गिरा जाके शॉर्टकट में कहा दोस्तों अभी हम पहुंच गए हैं बाहू फोर्ट के अंदर, सामने देख रहे हो बाहू फोर्ट दिख रहा है, माता रानी का दरबार है सामने, जय बावे वाली माता की। अभी हम लोग म्यूजिकल जो फाउंटेन है उसके अंदर जाएंगे, अंदर का आपको विजुअल दिखाते हैं, सारा व्यूज वगैरह सब दिखाते हैं आपको अंदर जाके। दोस्तों ये हमारा बैड लक समझो जहाँ कुछ भी आए थे हम लोग जहाँ म्यूजिकल फाउंटेन देखने, बट इतना बैड लक है कि यार हमारे आने से पहले ही बंद हो गया, और सबसे बड़ा कारण तो हमारा रहा ट्रैफिक। ट्रैफिक इतना ज़्यादा था ना, मतलब गाड़ी घंटों तक हमारी बीच ट्रैफिक में फंसी रही है। बड़े सारे ऐसे पब्लिक है बेचारी जो गेट पे खड़ी हुई थी, वो अभी भी डिमांड कर रहे हैं कि प्लीज़ थोड़ी देर के खोल दो, फिर उन्होंने साफ बोल दिया है कि 6:30 बजे और 7 बजे के बीच बीच में बंद हो जाता है जी, आधा घंटा चलता है। अब देखते हैं नेक्स्ट टाइम अगर फिर हमें मौका मिलेगा तो आपको ज़रूर इसके रूबरू करवाएंगे, तब तक आप सिर्फ व्यू एंजॉय करो। बाहू बागे वो बोल सकते हो आप, बाहू फोर्ट सामने दिख रहा है, जय माता दी। चलो ये हमारा ही बैलक है, पहले से तो बहुत ज़्यादा जहाँ पर डेवलपमेंट हुई है। कृपया पार्क में गंदगी ना फैलाएं। सामने देख रहे हो जम्मू सिटी कितनी खूबसूरत है ना, रात के टाइम में तो और ज़्यादा अच्छी लगती है। रेलवे स्टेशन से ट्रेन की आवाज़ आ रही है, वो भी मतलब बोल रही है बार बार चलो भैया अब लेट हो गया। बादल तो मतलब एकदम से ना बरसने को रेडी है, वो सामने देख रहे हो तवी ब्रिज, गाड़ियाँ ऊपर से चल रही हैं। हमारा ही बैड लगा यार, नेक्स्ट टाइम कोशिश करेंगे जल्दी आने की, कम से कम 3 बजे घर से निकलना चाहिए हमको, तब जाके जहाँ पे हम सही टाइम पे पहुँच पाएंगे। जाते हुए सीढ़ियों का ना इस्तेमाल कर रहे हैं, शॉर्टकट रहे वो देखो, शॉर्टकट के चक्कर में कहाँ गिरा जाके शॉर्टकट में कहाँ गिरा, लगी ना वो लगी लगी है, पत्थर पक्का लगी है तेरे को, इधर देख लगी है, इधर आना थोड़ा, इधर आ, इधर आके बता कहाँ कहाँ लगी तेरे को, तो अच्छे से उसको रब करना, कर ले ब्लड वगैरह निकल रहा है। अरे बारिश का मौसम भी बड़ा ज़्यादा है बार बार ना, बादलों की बात सुन रहे हो, जो बोल रहे हैं कि जितनी जल्दी हो सकता है भाग जाओ जहाँ से, नहीं तो भीग के जाओगे। ये हमारा मासूम सा बच्चा देखिए सामने, कुणाल क्या नाम है तुम्हारा, कुणाल, कुणाल गिरा हुआ था अभी, कुणाल की दोनों लेग्स में पेन हो रही है बेटा, घर जाके ना मम्मा को बोलना जैसे मालिश करे। बारिश बड़ी ज़्यादा आ गई है, इससे पहले कि हमें बाहर ना निकलने दे जल्दी जल्दी से इसको कैप्चर करते हैं, तो फिर चलते हैं यहाँ से। ये दो हमारी बहनें गड़े लेके हुए बैठी हुई हैं, पानी वाले गड़े हैं,
ये हमें बता रही है कि जितनी जल्दी हो सकता है निकलो जहाँ से। बारिश में देखो जो लोग एंजॉय कर रहे हैं, बारिश बड़ी ज़्यादा तेज हो गई है, अभी हमें जहाँ से निकलना चाहिए। ये भी डांस करते हुए एक ने ढोल पकड़ा हुआ है। और पाजी तुसी ग्रेट हो यारा, बजा दो थोड़ा सा ढोल, अपा भी डांस करिए। हम लोगों को दिन में आना चाहिए था यार, ट्रैफिक की वजह से ना ये सब हुआ है। अब कोशिश करेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में जल्दी आने की। हमारी डोगरी संस्कृति को दिखाने की कोशिश की गई है, बहुत अच्छा काम हो रहा है, अभी बहुत अच्छा काम किया है J&K टूरिस्ट डिपार्टमेंट ने। एक स्टैचू ये भी है जो बोटिंग करते हुए, इसमें लेडीज़ को कश्मीरी ड्रेस में दिखाया गया है, इसमें कश्मीर की संस्कृति दिखाई गई है। आप भी मेरे वीडियो के माध्यम से इस चीज़ को एंजॉय कीजिए, और अगर ब्लॉग अच्छा लगेगा तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बचपन से अब दोबारा जवानी में आके ऐसे झूला झूलने को मिल रहा है। जब छोटे होते थे तब हम खेतों में और घरों में ऐसे झूले बनाते थे, और रस्सी होती थी ये तो मतलब कि लोहे की चेन लगी हुई है, पुराने दिन याद आ रहे हैं अभी। पर पीछे वो एक हमारा साथी होता था जो हमें पूछ, ये कारा शेरा वाली दा मोल खान के दरबार की जय। ये बागेबाव का व्यू देखो आप, थोड़ी थोड़ी बारिश भी हो रही है। सामने जम्मू सिटी है, हमारा बैड लक रहा है आज, जहां आके भी हम लोग आपको वाटर फाउंटेन नहीं दिखा पाए हैं। प्लीज़ इस वीडियो को भी वैसे ही प्यार देना जैसे आप पहले मेरे ब्लॉग्स को प्यार देते हो। कोशिश करेंगे इससे भी अच्छे अच्छे बढ़िया बढ़िया ब्लॉग्स बनाएं आपके लिए। सामने हमारे भाई लोग चल रहे हैं, इसको कुछ ज़्यादा ही गर्मी लग रही है ना? चलो थोड़ा पास से दिखाते हैं। जहाँ भी कोई लड़कियों के स्टैचूज हैं, जहाँ मतलब लेडीज़ के, जहाँ जेंट्स के स्टैचू बने हुए हैं, उन सब के बीच में ना एक डॉगी जू रखा हुआ है इन लोगों ने। क्या ये दिखाना चाहते हैं कि आगे आगे पब्लिक दौड़ रही है, पीछे पीछे डॉगी उनको काटने के लिए दौड़ रहे हैं? J&K टूरिज्म दिखाना क्या चाहता है मतलब? अभी हमें ऐसा लग रहा है कि हमें वापस चलना चाहिए, क्योंकि अगर ज़्यादा देर रुके ना तो बारिश फिर हमें निकले नहीं देगी, और वैसे भी सभी लोग जहाँ से जा चुके हैं। देखो इतनी बारिश, अभी टाइम भी अगर देखना हो तो टाइम भी रात के 9 बज रहे हैं। सामने देखो बारिश कैसे चल रही है, ये देखिए, और बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। ये हमारी लड़की देखो कैसे छुप के बैठी हुई है, ऑर्डर कर रहे हैं आपके लिए बारिश में, बारिश में भी आपके लिए ब्लॉग शूट कर रहे हैं। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलो अभी वापस चलते हैं, दूर तक आपको कोई नहीं दिख रहा, दूर दूर तक कोई नहीं दिख रहा है। यही हमारा नटखट दिख रहा है जो एक बार गिर गया है, शर्म फिर भी नहीं है उसको, फिर भी बारिश में घूमे जा रहा है। ये देखिए सामने का व्यू, अभी इसी रास्ते से हम ऊपर जा रहे हैं। म्यूजिकल फाउंटेन जो शो था वो भी हम लोग नहीं कैप्चर कर सके, देख ही नहीं पाए आज। चलो नेक्स्ट टाइम कोशिश करेंगे जल्दी आने की। यार ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो हमें यही आई ना। ये कुछ नीचे का व्यू है, बिजली बड़ी चमक रही है आज आसमान में, बार बार हमें वार्निंग दे रही है निकलो भाई निकलो, पैसे वसूल करके जाएंगे भाई आज। पैसे पैसे हमने दिए नहीं आज। तेरी मम्मा तो पक्का बोलेगी आज बेटा मेरा गिरा, तेरी बदान पक्की बन गई आज, अगर ब्लॉग देख लिया तो ब्लॉग मैं तो पुत्र जरूर दिखाऊंगा। हो गया
उसमें तो गिरेगा, गिरा भी है ना उसमें, वो भी दिख जाएगा। बारिश ने ना सारा मजा ही खराब कर दिया। अब तो बिस्तर बजना भी शुरू हो गई। गाड़ी लगा के रखी हुई है, फिर बोलते हैं हमारे हमारी गाड़ियां टूट रही है, वो कुछ हो रहा है, एक्सीडेंट हो गया। शूटर मूवी देख के पब्लिक को परेशान करते हैं यार ऐसे लोग हैं। चलो भगवान इनकी दिमाग को वो थोड़ी सी बुद्धि बुद्धि बख्शे।